वक्रासन। वक्र का अर्थ है टेढ़ा या मुड़ा हुआ। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठें और अपने हाथों को अपने कूल्हों के पास रखें। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन हाथों पर ना पड़े। इस मुद्रा को दंडासन कहा जाता है। अब अपने दाएं पैर को मोड़ें और अपने बाएं पैर के घुटने के साथ रखें। अब अपने बाएं हाथ को अपने दाएं घुटने के पार ले जाते हुए अपनी हथेली को दाएं पैर के बगल में रखें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपना दाहिना हाथ पीछे की ओर मोड़ते हुए अपने शरीर और गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़ें। सुनिश्चित करें कि आपकी पीठ सीधी हो। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लेते और छोड़ते हुए 10 से 30 सेकंड तक आराम से रहें। वक्रासन आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। यह आसन अग्नाशय यानी पैनक्रियास को उत्तेजित कर मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद करता है। वक्रासन आपके यकृत यानी लिवर के लिए भी लाभकारी है। वक्रासन कब्ज से राहत दिलाता है और पाचन क्रिया में सुधार लाता है। यदि आपको गंभीर रूप से पीठ दर्द हो या रीढ़ संबंधित तकलीफ हो या स्लिप डिस्क की शिकायत हो तो कृपया ये आसन ना करें। अगर आपके पेट का ऑपरेशन हुआ हो तब भी ये आसन ना करें। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान ये आसन नहीं करना चाहिए। कुछ समय तक इस स्थिति में स्थिर रहने के बाद सांस छोड़ते हुए अपने शरीर, सर और पैरों को सीधा करें और पुनः दंडासन की मुद्रा में आ जाएं। अब अपने दोनों हाथ पीछे रखते हुए विश्राम आसन में विश्राम करें। कुछ देर विश्राम करने के बाद इस पूरे क्रम को दूसरी ओर से दोहराएं। नियमित रूप से वक्रासन करने से आपके पेट की चर्बी घटती है और आपके शरीर के अंदरूनी अंगों पर सकारात्मक असर होता है, जो आपको कब्ज मुक्त जीवन व्यतीत करने में मदद करता है।